पहला हेडिंग दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला स्टार्ट कर रहे कौन सा, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए आपका वहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, हमने पहला पार्ट आपको लिखवाया भी था कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अबाउट सी सी सिंगल बॉन्ड। बट आपको ध्यान रखना कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हमेशा क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड या रिंग के साथ। देखो बात समझना, कॉन्फर्मेशनल में सिंगल सिंगल बॉन्ड एक और रिंग हम लोग रोटेट कर रहे थे, द फ्री रोटेशन इज ऑलवेज अबाउट सी सी सिंगल बॉन्ड। बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं, कैसे यहाँ पे अब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करना, चीजों को स्पेशल तरीके से अरेंज करना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात समझो कैसे करेंगे। देखो पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर वन कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। पहला चीज बात समझो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि सबके बीच में ही हो, बट एटलीस्ट ऐसा दिखना चाहिए जहां कार्बन कार्बन के बीच कैसा आपका है डबल बॉन्ड, उस कार्बन को बोल देंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे उसको हम लोग। बट फिलहाल समझो कैसे, और इसके साथ जो एटम अटैच होंगे, हमेशा ध्यान रखो इसके साथ जो एटम अटैच होंगे वो एटम भी डिफरेंट होना चाहिए एटलीस्ट एक तरफ। बात समझो क्या बोल रहे हैं, इस तरफ एटलीस्ट आपका एटम डिफरेंट होना चाहिए, इस तरफ भी डिफरेंट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं बोल दो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, तो पॉसिबल नहीं है। जो दो एटम बचेंगे, दो बॉन्ड तो खर्च हो गया, यहाँ पे दो ही बॉन्ड बचा, तो दो बॉन्ड जो बचा है यहाँ पे दोनों एटम कैसे होना चाहिए डिफरेंट, और यहाँ भी कैसे होना चाहिए डिफरेंट, तब जाकर शो करेगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अदरवाइज शो कभी नहीं करेगा। समझे, इथिन बोल रहे हैं, क्या इथिन कभी भी शो कर पाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्यों नहीं करेगा। सी डबल बॉन्ड सी के साथ दो हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, देखो चेक करो। अगर मान लो तुमने बोला कि ये डिस्टेंस d1 मान लेते हैं, ठीक है, और तुमने इसको रोटेट किया, रोटेट करके यहाँ मान लो पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बात समझो, रोटेट करने का फिर से यहाँ भी क्या जाएगा, हाइड्रोजन ही जाएगा। क्या डिस्टेंस चेंज किया, नहीं किया, तो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शोने के लिए कार्बन के राइट साइड के किसी तरफ दोनों एटम डिफरेंट ही होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। बस चारों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल रहे चारों करने, मैंने बोला कि हाइड्रोजन इसको तुम मिथाइल कर लो, ये मिथाइल कर लो इसको हाइड्रोजन कर लो, आप बोलो सर दोनों तरफ सेम ही तो है। हाँ दोनों तरफ सेम चलेगा, बट एक कार्बन से दोनों एटम सेम नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ सेम हो जाए चलेगा, इसको बोल देंगे ट्रांस और इसको बोल देंगे सिस। बात समझे ना, दोनों तरफ सेम हो जाए चलेगा, बट एक तरफ दोनों सेम नहीं होना चाहिए, कंडीशन नंबर वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करने के लिए। चमका, और जो आपका यहाँ पे जिस कार्बन की वजह से आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर। लिख लो इस पॉइंट को खुद से, बोलो डबल बॉन्ड के कार्बन की तरफ दोनों एटम सेम नहीं होना चाहिए थे, शो नहीं करेगा, ये बताओ शो करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो इस तरफ तो अलग अलग है बट राइट वाले तरफ सेम है, फिर से नहीं करेगा। मिथाइल सी एच ये शो करेगा नहीं करेगा, बस कार्बन के साथ जुड़े एटम दोनों डिफरेंट होने चाहिए, इस तरफ सेम हो उससे मतलब नहीं है, बस दोनों एटम क्या होना चाहिए डिफरेंट होने चाहिए, करेगा। ये शो करेगा नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि कार्बन के साथ दोनों एटम क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे फिर से कार्बन के दोनों तरफ सेम ही एटम है, समझे ना, लिख लो इतना। तो अगर मैंने बोला कि बताओ ये शो करेगा नहीं करेगा, शो करेगा कितना करेगा, बाकी चीज खुद से पहचानो। सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे यहाँ क्या होना चाहिए, H2 होना चाहिए, इतना देंगे थोड़ी ना, तो वो डायरेक्टली पहचानना होगा। तो ये मिथाइल बन गया ना, ये क्या बन गया आपका मिथाइल और एक हाइड्रोजन,
तो ये दोनों तो शो कर ही रहा है बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट, और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी होगा, एक पूरा ग्रुप होगा, तो ये तो शो कर रहा है यहाँ पे, एक तो हो गया शो करने के लिए। और ये वाला शो नहीं करेगा क्योंकि एटम विल बी, तो इसकी वजह शो नहीं करेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो फिर से यहाँ पे देखो अलग अलग एटम भी दिख रहा है और पूरा ग्रुप भी अलग हो गया, तो यहाँ भी शो करेगा। एसी वैल्यू कितना हो गया आपका? टू आ गया। तीन डबल बॉन्ड थे यहाँ पे बट दो ही शो कर रहा है, तो ये भी है क्या? हाँ, तो इसके साथ अगर देखा जाए तो अलग अलग, हाँ ठीक है, ये भी शो करेगा आपका, तीन हो गया। देखो ध्यान दो, हम यहाँ बोल रहे रिंग तो है बट रिंग कहाँ पे है? जो बगल में एटम अटैच होते हैं उसमें रिंग है, मतलब आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये रिंग नहीं है। यहाँ से आपको मेजरमेंट करना वो रिंग का पार्ट नहीं है, इसमें कैसे करेंगे? आप बोलो सर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो अलग अलग है, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म होने। कंडीशन क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एटम शुड बी डिफरेंट, है ना? तो इसके एक एटम से दोनों एटम डिफरेंट होना चाहिए एटम, और यहाँ भी इस एटम का दोनों एटम भी डिफरेंट होना चाहिए, आपस में सेम हो जाए चलेगा, बट ये चीज जो एक ही एटम की तरफ होगा वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ठीक है डिफरेंट हो गया, बट यहाँ कैसे पता करेंगे डिफरेंट है कि सेम है? तो नोमेनक्लेचर कर देंगे, क्या करेंगे? देखो 1 2 3, ठीक है, यहां से भी करें 1 2 3, सेम ही दिख रहा है। जैसे यहाँ वन किया तो कुछ नहीं था, टू पे कुछ नहीं था, थ्री यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ से भी किया सेम टू सेम, वन कुछ नहीं, टू कुछ नहीं, थ्री कुछ नहीं, सेम है। इसका मतलब ये एटम सेम टाइप में बिहेव कर रहा है, ये वाला शो नहीं करेगा। तो कौन शो करेगा? देखो ये वाला शो कर जाएगा, समझे ना? अब इस कार्बन को अगर देखा जाए तो वन पे इथाइल है, टू पे कुछ नहीं है, थ्री पे आपका वही है। इधर से किया जाए तो वन पे कुछ नहीं, टू पे इथाइल, नाम डिफरेंट हो गया, तो अब ये शो करेगा। एससी विल बी वन, ये तो पता ही है। अब जो आपका शो ही नहीं करेगा उसका कोई एससी नहीं होगा। देखो बात समझो, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे है। देखो अगर मैंने बोला कि एक आपका रिंग है और ये रिंग का प्लेन है जो है ना, ये ऐसे आपका रखा होगा, ठीक है, अच्छे समझना। मैंने पहले बोला कि वही सेम बात है जैसे आप बोल रहे थे ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एटम कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ये कभी ए और ए पॉसिबल नहीं है, अगर ये इसको ए और ए बोल देंगे तो जीआई कभी शो, तो जीआई को शो करना तो क्या करना पड़ेगा? इसको अलग करना ही पड़ेगा, इसको बी कर दिए। और ये पॉसिबल है कि दोनों तरफ सेम ही लग जाए, ये भी सेम हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपस में डिफरेंट होना जरूरी है। चमका, अगर तुम देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड को कौन रिप्लेस किया है? एक रिंग रिप्लेस किया है, मतलब डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ रिंग, है ना? बातें फिर से क्या हो गई? सेम हो गई। अगर तुम चाहो तो इस डबल इस रिंग को डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर लो, अब तुम बताओ क्या जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, करेगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा क्या करना है, रिंग को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, डबल बॉन्ड को एक रिंग में कन्वर्ट कर देना, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? अब देखो लॉजिक सुनो, लॉजिक क्या है, तो देखो कैसे आपका ये इस लाइक ना, ये जो नीचे आपका इतना सारा जो पट्टी बनाए ना आपका स्ट्राइप, क्यों बनाए पता है? ये दिखाने के लिए कि ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, बात समझना। लाइक एक आपका यहाँ पे सी एस थ्री एच हुआ, एक पेंद्रा, एक आपका ये रहा, है बात समझ में? तो ये चीज आपका प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्लियर ना? ये चीज प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब मान लो सामने ले आए तो अब क्या हो जाएगा? देखो अगर सामने ले आए तो एक आपका दिख रहा है क्या आपकी तरफ, एक कहाँ है पीछे, इसको भी दिखाने का तरीका होता है। अगर मान लो इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस ये आपका स्ट्राइप हटाना पड़ेगा और बोल देंगे कि एक आ रहा है सामने की तरफ, तो सामने की तरफ को हम लोग बोल्ड से दिखाएंगे, डैश इसको बोलते हैं हम लोग, वेज, सॉरी वेज बोलते हैं, डैश एंड वेज मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो सामने वाले को हम लोग बोल्ड करके दिखाएंगे, जिसका मतलब होता है वेज। और इसी में हाइड्रोजन पीछे की तरफ हो जाएगा, बात समझे ना। अभी करके दिखाना हाथ पे कि ये चीज आपको दिख रहा है ऊपर, मान लो मिथाइल, नीचे हाइड्रोजन, सामने के मिथाइल सामने आ गया, हाइड्रोजन कहाँ चला गया? पीछे। तो जो पीछे चला गया उसको हम लोग डैश करके दिखाएंगे, ठीक है? कैसे दिखाएंगे? डैश करके दिखाएंगे। इसको बोलते हैं वेज एंड डैश प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे आपको दो प्रोजेक्शन पहले पढ़ा चुके थे, क्या क्या? न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो थर्ड वजन इज वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, क्लियर ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये मिथाइल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। मतलब इसको देख के चौक बनता है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन आपका है, प्रोजेक्शन आपका है, जिससे पता चलता है 3D स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका पता चलता है। ये बस इतना बता रहा है कि एक आपका ये मिथाइल आगे की तरफ आ रहा है, हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि हम इसको ऐसे ना बनाकर ऐसे बना दे रहे हैं, बोर्ड तुम्हारे पैरेलल बना दे रहे हैं, बात समझे। और एक दो कॉन्सेप्ट आपका और है, जैसे हम बोल रहे हैं आपको क्या, बात समझना, कि सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं क्यूमुलिन स्ट्रक्चर। आपको बताया था उस दिन, एक कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे ख्याल से, कौन पूछा मुझे याद नहीं है, कि डबल बॉन्ड कंटिन्यू हो तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग। मैंने बोला था कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक बॉन्ड को छोड़कर, जैसे मैंने बोला सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी, या फिर यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, देखो एक छोड़कर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना, दिस कॉल कॉन्जुगेट, जो हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है आपका, ये कौन सा हो गया, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यू हो जाए उसको बोलते हैं क्यूमुलिन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्यूमुलिन। कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट ये बात समझना, यहाँ पे दो बॉन्ड दिख रहे हैं, एक सिग्मा और एक पाई। अगर तुमको बोले तुम इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ, कैसे बनाओ, समझना बात, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, है ना, पहली बात तो ये डबल बॉन्ड कैसे बना होगा? तो मान लो मैंने बोला कि ये पाई वाला, ये वाला आपका बनाया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इसे क्या किया आपस में ओवरलैप किया और क्या बन गया आपका, ये डबल बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत? अब तो बताओ यही कार्बन, बात समझना, 1 2 3, ये दूसरा नंबर कार्बन वही आपका 3 से भी डबल बना रहा है और वही आपका 1 से भी बना रहा है, क्लियर ना क्या बोलना चाह रहे हैं? अब यहां पे दिक्कत ये है ना कि ये सेकेंड नंबर कार्बन जो फर्स्ट से आपका बनाया डबल बॉन्ड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में जो ओवरलैप किया है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपका, ओवरलैप करने से बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है आपका, हेड टू हेड कोलिजन से बनता है आपका। तो मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड कोलिजन अगर किया होगा तो यहां भी सिग्मा बॉन्ड कोलिजन किया होगा, यहां भी पाई बॉन्ड ओवरलैप किया होगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि दोनों पाई बॉन्ड सेम तो ओवरलैप नहीं कर सकते। मान लो एक्स वाई जी था, तीन कंडीशन ओवरलैप का था, ठीक है। सेकेंड वाले ने मान लो इसके साथ एक्स का ओवरलैप कर लिया, अब बताओ क्या दोबारा एक से कर पाएगा? एक तो खत्म हो चुका ना, अब किसे कर पाएगा, ये किसे कर पाएगा, वाई या फिर, तो क्या बताओ एक्स और वाई में एंगल कितने कितना होता है, टोटल 90 कितना होता है? तो क्या दोनों सेम प्लेन में होंगे? अगला वाला जो ओवरलैपिंग होगा पाई बॉन्ड का, क्या दोनों सेम होगा प्लेन में, प्लेन अलग चला गया? ये दोनों मान लो किया एक्स ओवरलैपिंग, ठीक है। अब बताओ इसके साथ ओवरलैपिंग एक्स का पॉसिबल है? एक्स तो पहले इन्वॉल्व हो चुका है ना, एक्स यहां ओवरलैप करने में इन्वॉल्व हो चुका है, अब इसके साथ कैसे पॉसिबल है वाई के साथ? अब बताओ अगर एक्स आपका मान लो ऐसा ओवरलैपिंग है, तो वाई वाला पक्का कैसा हो गया, प्लेन पूरा चेंज कर गया। जब प्लेन ही चेंज कर जाएगा तो अब उसका डिस्टेंस निकालना इम्पॉसिबल है हमारे लिए, तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। आए बात समझ में? अब एक बात तो तुमको पता होगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, कितना होता है? छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री। और यहां पे तुमको बता दिया कि मान लो ये आपका, देखो चेक करो कैसे हो, ये मान लो वाई वाला खाली था, वाई वाला ओवरलैप कर गया, अब आप समझो कैसे हुआ, ठीक है, फिर करना अच्छे से। तो ये वाला एक प्लेन रहा, ठीक है, और ये वाला सेकेंड प्लेन रहा, देखो तो दोनों प्लेन सेम एंगल पे है क्या, कैसे दिख रहा है, एक ऐसे है एक ऐसे है। तो क्या कभी पॉसिबल है आपका ज्योमेट्रिक क्लास मिल जाए? ये पॉसिबल नहीं है। आए बात समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जी आई आपका जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो जाए ना, इवन नंबर कार्बन ऑड नंबर कार्बन, तो वहां बताएंगे आपको, सिखाएंगे कि कब शो करेगा और कब शो नहीं करेगा।
इवन नंबर में यहां पर शो नहीं कर रहा जी आई, कितने नंबर का होगा डबल बॉन्ड यहां पर? डबल बॉन्ड यहां कितना है क्यूमुलेटिव में आ रहा? डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर हो तो शो नहीं करेगा, ऑड रहेगा तो शो करेगा, ठीक है? क्योंकि फिर से अगर मान लो एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये वाई खर्च हो गया यहां पे, तो हो सकता है दोनों फिर से एक्स हो जाए। इसका तो वाई खर्च हुआ ना, एक्स तो बचा होगा, तो हो सकता है फिर दोनों एक्स कर ले तो दोनों फिर सेम प्लेन में आ जाए। आया बात समझ में? तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में अगर रहेगा तो वहां पे शो नहीं करेगा, बट ऑड नंबर में शो कर जाएगा, इस बात को बताना चाह रहे थे। एंड सेकेंड चीज, ऑलवेज कंसिडर्ड अ रिंग एज अ डबल बॉन्ड। कब तक? जब तक अंदर कुछ भी छेड़छाड़ ना किया हो। कहने का मतलब ये हुआ, अब तुम बोलोगे सर ऐसा कर लेते हैं यहां पे, तो अब ये रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड आ गया ना, क्या गया रिंग के अंदर भी। इसका अपना भी एक तरीका है, रिंग जब भी बनाएंगे, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड जब भी बनाएंगे तो एटलीस्ट 8 कार्बन ही होना चाहिए एटलीस्ट। उसके नीचे स्टेबिलिटी नहीं होती है इसकी, और जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो 8 के बाद ही शो करेगा एटलीस्ट 8। मैंने बोला आपको दो तीन आपको कॉन्सेप्ट दिए अभी, हम क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए आपको? पहला कॉन्सेप्ट ये दिए कि जीआई शो करने के लिए कार्बन के दोनों तरफ सेम एटम नहीं होना चाहिए। आपस में कार्बन सेम एटम रख सकता है, लेकिन एक ही कार्बन पर दोनों एटम कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एंड फिर मैंने बोला कि चेक करो उसका सिस और ट्रांस वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिस ट्रांस आएगा तो आपका जीआई शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। फिर चेक करो कि एटलीस्ट 2 कार्बन मिलकर यहाँ पर जो आपका रोटेशन पोस्टर बनाया है जिसकी वजह से आपका जीआई शो कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टीरोजेनिक सेंटर। फिर आपको निकालना सीखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया उसके ऊपर। फिर मैंने बोला कि अगर वो चीज पॉसिबल हो गया फिर रिंग पे आ गए हम लोग। अच्छा, इसका आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए कैसे हो रहा है, इसको फिल करवा दिया ना। तो ये आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आपका ये ऐसे रखा हुआ, ये इस प्लेन में रखा हुआ, तो आपको दिख रहा है ना। ऐसे रखोगे ये रहा डबल बॉन्ड, बात समझो, ये रहा डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऊपर एक मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, मिथाइल ऊपर नाइट्रोजन नीचे। ये बहुत आसान था, देखो बात समझो, आपको यहाँ डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, सिंगल दिख रहा होगा, ऐसे कर दे तो। बात समझ क्या बोलना चाह रहे हैं? जब ऐसे देखो ऐसे करेंगे तो वो चीज दिख रहा है जो आपको मतलब कार्बन के एटम से था, ठीक है? अब ऐसे किए तो कार्बन ही दिख रहा है सिर्फ, बट वो नहीं दिख रहा जो इससे जुड़ा हुआ था, एक पीछे चला गया आपका। तो रिप्रेजेंटेशन तुम पर डिपेंड करता है ना, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अब इसको 3D स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, 3D बोर्ड तो होता नहीं, बोर्ड कैसे आपका 2D, उस 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए वेज एंड डैश प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है? अब बाकी बातें सेम रिंग को कंसिडर करना, डबल बॉन्ड आंसर निकाल जाओ, खुश होते जाओ, ठीक है? अब ये जो समझ में आ जाएगा फिर क्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर देखना हम लोग को। क्यूमुलेटिव बताया आपको, इवन नंबर ऑफ अगर डबल बॉन्ड रहा तो शो नहीं करेगा, ऑड नंबर रहा तो शो करेगा। हाँ, क्यूमुलेटिव बोल रहे स्ट्रक्चर, या फिर ऐसे बोलो तुम्हारी मर्जी, याद करना कर लो। अगर बोलेंगे ऑड नंबर कार्बन रहा तो शो नहीं करेगा, इवन नंबर कार्बन रहा तो शो करेगा, अब कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए किसी एक को याद करना, या तुम डबल बॉन्ड को याद कर लो या फिर कार्बन याद कर लो। मेरे ख्याल से तुमको इतना कॉन्सेप्ट तो याद होगा ना कि दो डबल बॉन्ड वाले में उसका प्लेन अलग हो जा रहा है जिसकी वजह से शो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे इवन नंबर वाला डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा बट ऑड वाला शो करेगा, ठीक है? अगर तुमको बोल दे ऐसे ना, देखो बात समझो, देखो बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ये बीच का जो भी है ना, बीच के जो भी है काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना कैसा आ गया, इवन की ऑड, ऑड इवन आ गया ना, इवन का भी शो, तो जीआई शो ही नहीं करेगा। आपको ये चेक करने से पहले, लास्ट में ये सब चेक करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है कि ऑड नंबर डबल बॉन्ड। चमका, क्लियर ना? तो पूरा कॉन्सेप्ट लिख लो अच्छे से जो समझाए, उसको वेज डैश दिखा देंगे, डायरेक्टली है ना, ऐसे दिखा देंगे और ऐसे दिखा देंगे। तो मान लो ये CH3 है, तो ये हाइड्रोजन है, बात समझे? अब तो CH3 कहाँ होगा, इसका पीछे रहा होगा, आए बात समझे? कैसे? क्योंकि हमने क्या किया, क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन आपका ये था CH3H और CH3H, तो दिक्कत, तो इसका CH3 कहाँ रहा होगा, पीछे, इस डिस्टेंस को बोलते हैं D1, ये ट्रांस किसिस, क्योंकि ऑपोजिट हो गया ना, सेम तरफ का, बोझा दोनों आपका वेज में होना चाहिए, इसका सिस कैसे बनेगा, बात समझो, कैसे बनेगा सिस, ये क्या हो गया आपका सिस, है ना? इसको मान लेते D2, क्या मान लिया D2, D1 not equal to
तो जीआई शो करेगा। मतलब क्या गया, सेम एटम आ गया, तो क्या गया सेम एटम, तो करेगा नहीं करेगा, करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां के लिए नहीं करेगा, बट इसके लिए तो करेगा। अरे यही क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया ना। एक बार क्या करना है इन कार्बन को, एक बार इसको वेज में, इसको भी एक बार वेज और डैश में कर देंगे, हो गया। नहीं किया, ओवरऑल टू करना चाहिए था। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन कर देना, इसको हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, कितना करेगा जी आई? दो, एसी इसका दो हो जाएगा। एसी कितना हो जाता? दो हो जाता, बट अभी कितना है एसी? एक। चमका, इग्नोर मत किया करो कॉन्सेप्ट को। हाँ जी बताओ, इसका हो गया क्या? क्या आंसर आया? कितना शो करेगा? देखो यहाँ तो शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सेम एटम। ये तो शो करेगा है ना, एक ये शो करेगा ना, और एक यहाँ शो करेगा। ऐसे कितना हो गया चमका? कोई दिक्कत? जवाब।